नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेरम प्रोटीन एस्टिमेशन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बायोकेमिस्ट्री में, इसको रूटीनली किया जाता है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में जानते हैं। ये जैसा कि आपको पता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सारे सेल्स के लिए और टिश्यूज़ के लिए, और ये बेसिकली बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और उसकी हेल्थ में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये कई प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने में भी मदद करते हैं, जिससे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो इस टेस्ट में बेसिकली हम जो ब्लड में कितने अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है उसका एस्टिमेशन करते हैं, उसका पता लगाते हैं। तो कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रोटीन्स का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, खासकर जो कंडीशंस रीनल फेलियर से रिलेटेड हैं या किडनी से रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो लिवर से रिलेटेड है, लिवर फेलियर, तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, या खाने में प्रोटीन्स की कमी हो तो माल न्यूट्रिशन, और लिवर में सिरोसिस हो गया जिसकी वजह से लिवर फेलियर के चांस रहते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं जिनमें लिवर फेलियर्स हो सकता है, ड्रग्स एक उसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में प्रोटीन्स का लेवल बढ़ भी जाता है, तो जैसे एक कंडीशन होती है मल्टीपल मायलोमा, जिसमें ग्लोबुलिन्स का लेवल काफ़ी राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था प्रोटीन के बारे में। अगर हम इसके फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो प्रोटीन को दो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो अल्बुमिन कहलाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। दूसरा जो फ्रैक्शन होता है वो ग्लोबुलिन कहलाता है। ग्लोबुलिन मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ग्लोबुलिन फ्रैक्शन है उसमें α1, α2, बीटा और गामा, ये चार जो हैं वो ग्लोबुलिन्स हैं। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो गामा ग्लोबुलिन्स होता है, जिनको एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। ये पांच प्रकार की एंटीबॉडीज़ आप लोगों को पता होगा। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ये वाला फ्रैक्शन है गामा ग्लोबुलिन्स का, इसलिए उनको गामा ग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है एंटीबॉडीज़ को। और इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स इनकोड होते हैं। तो ये उसके फ्रैक्शंस के बारे में था प्रोटीन के। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, चार भागों, चार तरह से प्रोटीन का प्रेजेंटेशन होता है। एक तो सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, जो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इसमें एक सिंगल चेन होती है और उसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसके दो एंड होते हैं, एक तो सी टर्मिनल एंड कहलाता है, दूसरा एन टर्मिनल एंड कहलाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स हो सकता है या बीटा हेलिक्स हो सकता है, तो या बीटा प्लीटेड जो सीट हो सकती है। इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लीटेड सीट्स हैं, जब इन दोनों कंबाइन हो जाती हैं तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर डेवलप होता है इनके आपस में, इन दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो एक अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड सीट्स आपस में जुड़ के एक टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जबकि जो चौथा क्वाटरनरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें मोर देन वन अमाइनो एसिड की चेन हो सकती है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स की इसमें चेन हो सकती है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर के बारे में था प्रोटीन के। अगर हम इस टेस्ट के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होता है, जो आपके ब्लड में या सीरम में प्रोटीन रहेगा, वो रिएक्ट करता है कुप्रिक आयोन से। और ये कुप्रिक आयन जब अल्कलिन मीडियम में प्रेजेंट रहते हैं, तो इस तरह से जब प्रोटीन के साथ में रिएक्ट करते हैं कुप्रिक आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाते हैं वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और इस वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स को कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी फोटोमीटर में, कैलोरीमीटर में मेजर कर सकते हैं 540 नैनोमीटर पर क्रीन फिल्टर पर। और इसके लिए जो सैंपल यूज़ करते हैं, स्पेसिमेन जो रहता है वो यूजली सीरम रहता है। और इस टेस्ट का जो नाम है बेसिकली इसको बायोरेट मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें बायोरेट रिएजेंट बनाया जाता है, तो इस टेस्ट का नाम बायोरेट मेथड है। तो बायोरेट रिएजेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी एक प्रक्रिया है जिसमें 45 ग्राम ऑफ
रोचले साल्ट्स जो होता है उसको 400 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं। जो रोचले साल्ट होता है इसका केमिकल नेम जो होता है वो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट, तो ये इसका केमिकल नेम है। और एक्चुअली ये डबल साल्ट है, इसमें दो साल्ट एक साथ में मिले हुए होते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम। और इसके अलावा इसमें ऐड किया जाता है 15 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो इन सबको एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करके उनको सबको मिक्स कर लिया जाता है। और उसके बाद इसमें इस सॉल्यूशन को पूरे सॉल्यूशन को जो है 1 लीटर बनाया जाता है। और उसको बनाने के लिए इसमें 0.2 नॉर्मलिटी का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से 1 लीटर का जो वर्किंग सॉल्यूशन बनता है बायोरेट रिएजेंट का। तो जो बायोरेट यहाँ पे आप जब टेस्ट प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इसमें 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, ब्लैंक लेना है, स्टैंड लेना है और टेस्ट लेना है। तो ब्लैंक का यहाँ पे यूज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन होता है वो कलर्ड सॉल्यूशन होता है। तो जो कलर्ड सॉल्यूशन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको हमको रिजल्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी में से माइनस करना होता है, इसलिए जब भी कलर्ड सॉल्यूशन होता है तो उसमें ब्लैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैंक को लिया जाता है और ब्लैंक की ऑप्टिकल डेंसिटी निकाली जाती है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक में 5 ml ऑफ वायरोट रिएजेंट लेंगे और इसमें 0.05 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। दूसरी वो जो स्टैंडर्ड होता है इसमें 5 ml ऑफ वायरोट रिएजेंट लेंगे और 0.05 ml स्टैंडर्ड को ऐड किया जाता है। और जो तीसरा होता है तो इसमें आप 5 ml ऑफ वायरोट रिएजेंट लेंगे और 0.05 ml सीरम ले लेंगे जिसका हमको एस्टिमेशन करना है। और इनको इन टेस्ट ट्यूब्स को 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं जिससे कि रिएक्शन प्रोटीन्स का और जो कुप्रिक आयोन्स उनके बीच में रिएक्शन हो सके। और 10 मिनट बाद हम इसको इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी जो टेस्ट की है उसको निकालते हैं, ब्लैंक की ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं और स्टैंडर्ड की ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं। तो जो जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसको ग्राम पर डेसीलीटर में किया जाता है। और जो ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट की होती है उसमें से जो ऑप्टिकल डेंसिटी ब्लैंक की उसको माइनस किया जाता है, उसी तरह ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड में से भी ऑप्टिकल डेंसिटी ब्लैंक को माइनस किया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे आप इनटू 6 कर सकते हैं, यानी जो 6 होता है वो स्टैंडर्ड होता है, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के रेशियो को। तो आप इसमें जो अगर नॉर्मल होगा प्रोटीन लेवल तो वो 6 ग्राम से लेके 8 ग्राम के आसपास हो सकता है। तो इस तरह से हम जो है सिंपल से प्रोसीजर से प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।